ये छोटे कद की खूबसूरत जो गाय है, जिसको आपने सहलाते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीर आपने देखी होगी, योगी आदित्यनाथ जी की देखी होगी, इसी तरह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की भी देखी होगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक। जब प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीरें इनके साथ में आई और लोगों का एकदम से ध्यान आकृष्ट हुआ कि इतनी छोटे हाइट की भी गाय होती है, वरना हम देखते हैं लगभग 4 फीट 3 फीट के ऊपर ही गायों की हाइट होती है, लेकिन ये खूबसूरत पुगनूर नस्ल की ये गाय, और जो लोग इसके बारे में बेहतर जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं आज उनके लिए खास जानकारी मैं लेकर के आया हूँ। ये छोटे कद की खूबसूरत जो गाय है, ये देखिए मैं जब बैठा हूँ तो भी ये मैं इससे अभी तक भी ऊपर ही हूँ, यानी कि इतनी कोई छोटी सी हाइट होती है, इसको पालना क्या इतना आसान है और क्या इसका खास जो है बेनिफिट्स हैं। कहते हैं कि बहुत ही पौष्टिक इसका दूध होता है, सारी जानकारी यहाँ पर देने के लिए सर यहाँ पर मौजूद हैं। पहले तो धन्यवाद करूँगा सर, आप इस मेले में और इतने एक सुंदर गोवंश को लेकर के आए, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अभिनव तिवारी है। मैं और मेरे पार्टनर हैं, मेरे बड़े भाई महेंद्र यादव जी, हम दोनों 2019 से इन गायों को पाल रहे हैं। हमारे जयपुर से आए हम। इस बार पशु मेले में इतना अंतर्राष्ट्रीय मेला है तो इस बार देखा कि सबको इस ब्रीड के बारे में भी दिखाएं। ये बिल्कुल ख़त्म होती ब्रीड है, बिल्कुल संरक्षण इनका मोदी जी ने चालू करवाया गवर्नमेंट के साथ मिलके। अब हम लोग 2019 से पाल रहे, अब इसका थोड़ा सा जब से 2023 से मोदी जी ने इसके संरक्षण पे काम किया तब से हम लोग में भी इंटरेस्ट आया और हम लोग भी इसको और बढ़ाने में लग रहे हैं। बिल्कुल, तो पहले से आप ये रख रहे थे? नहीं, 2019 में हमारे पास कहीं एक हमारे को पसंद आई, हमारे को शौक घोड़ों वगैरह का सबका है, ये पसंद आई तो 2019 में हम एक लाए दो लाए, फिर उसके बाद सरकारें संरक्षण में लगी वहाँ की, तो हमारे को भी लगा कि हम भी इसमें चलते हैं। हमारे पास अलग अलग ब्रीड्स की और भी गाय है अपने देसी नस्ल की सारी, तो फिर इस पर हमने काम करना शुरू किया और आज की डेट में हमारे पास 22-23 गाय है। तो 22-23 गाय आप ये रख रहे हैं, तो इसको रखने के लिए क्या स्पेशली कोई क्लाइमेट की और की रिक्वायरमेंट? नहीं भाई साहब, ये बिल्कुल देसी गाय है, कम्प्लीट भारतीय जो सबसे छोटे कद की देसी गाय है, इसमें कोई भी हाइब्रिड्स नहीं है, कुछ भी जेनेटिक चेंज नहीं है, पूरी तरह से प्योर देसी गाय है और खान पान पूरा अपना देसी गाय का जैसा है। जो आप बड़ी गाय को खिला रहे हैं वही छोटी गाय का खाना पीना है। ये बस राजस्थान का क्लाइमेट में, ये पूरे इंडिया के किसी भी कोने के क्लाइमेट, भारतीय नस्ल की गायों की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वो देश के विदेशों में भी सही हर क्लाइमेट को अपना लेती है, तो वैसे ही इसका है। दूसरी चीज़ है, इसका जो इम्यून सिस्टम है अपनी बड़ी गायों से ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता इनकी खुद की सेल्फ है वो भी बहुत अच्छी है और इनका दूध इतना पौष्टिक है, तो मैं इनके दूसरी गायों के बच्चों को भी इनका दूध पिला के मैं कई बार मैंने इनको ठीक किया है। जैसे ये एक टाइम में कितना दूध देती होगी? ये इसकी हाइट चालू हो जाती है 28 इंची से 36 इंची से 36 इंची तक प्योर क्वालिटी अवेलेबल है, उसके अंदर 36 इंची तक की गाय 5 से 5.5 लीटर तक का दूध दे रही है। पर डे या पर टाइम? पर डे, 2 से 2.5 लीटर के लगभग। हाँ, 2 से 2.5 लीटर पर टाइम का बड़ी गाय दूध दे देती है इसमें जो 36 इंची है, बाकी 28 इंची जैसे वो गाय है, ये फुल साइज है। ये फुल साइज गाय है, ये अभी 2 महीने की प्रेग्नेंट है, तो ये गाय कितने साल की है? जैसे ये 2.5 साल की हो जाएगी, 2 साल प्लस की हो गई है, 2 महीने क्रॉस हो गई है। 2 साल में फुल बड़ी हो जाती है? हाँ, 2 साल में फुल हाइट पकड़ लेती है, उससे 2-3 महीने और हाइट बढ़ती है क्रॉस होने के बाद, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ती है। बिल्कुल, तो इसके लिए जैसे खास इस दूध को भी इसको बहुत पौष्टिक बताया गया है कि इसमें जो साधारण जो अपनी देसी गाय है जो हम देख सकते हैं 4 फीट तक लगभग हाइट होती है, उससे ये ज़्यादा इसका दूध भी बहुत ज़्यादा स्पेशल। हाँ, इसके दूध के आयुर्वेदिक गुण बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इसके दूध में पौष्टिक आहार इतना अच्छा है कि अच्छे से एक बार तो अपन आम आदमी के पचता जो रेगुलर दूध पी रहे हैं उनके भी नहीं, बस हमारे भी हर बार में नहीं पानी मिलाना पड़ता हमको, जबकि 5-6% फैट का ही दूध है, लेकिन उसके अंदर भी हमको पानी मिला के पीना पड़ता है। बिल्कुल, तो अभी कितनी ये गाय कितनी लाए हैं आप? मैं यहाँ पे 15 गाय लेके आया हूँ, बच्चे बड़े सब मिला के। ये मेरा काजू है, नंदी है, पुंगनूर का टॉप बुल में से एक है, और ये हमारी टॉप जो ओरिजिनल लाइन पुंगनूर है उसकी एक गाय है। इसका जैसे क्या आप सेल पर्पज भी होता है आपका या सिर्फ ये? नहीं, ये अमूल्य चीज है, हम इनको बना रहे हैं, हम इनकी प्योर लाइन वापस बनाने में लग रहे हैं, तो सेल पर्पज नहीं है, लेकिन कोई जो अच्छे से रखने जानते हैं तो उनके लिए गाय हमारे पास उपलब्ध है कि हम यदि हम देखते हैं कि ये शौक के लिए नहीं देते, जो शौक में लेने के लिए लोग हैं उनको नहीं देने की, बाकी हम लोग और बाकी जो गाय लेते हैं वो बड़ी होने के बाद उसकी जो क्रॉसिंग वगैरह है वो हमारे पास प्योर सर्टिफाइड बुलों से फ्री है, निःशुल्क है। बिल्कुल, जहाँ क्रॉसिंग के लिए आगे आपके पास में सुविधा जयपुर में मिल जाएगी हमारे पास, आपकी गाय छोड़ के जाइए क्रॉस कराइए। कहाँ पर है आपका? सिरसी के अंदर हमारा फार्म है। क्या नाम से? अभिराम ब्रीडिंग फार्म एनिमल किंगडम। अच्छा,
तो ये थोड़ा सा आप उसका आइडिया ज़रूर करवाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग मान लो इच्छुक भी हैं और गौ प्रेमी भी हैं, लेकिन वो एक आइडिया होता है कि लगभग जो अगर वो पालना चाहते हैं तो इसकी क्या प्राइस पड़ती है और कितना खर्चा इसका पालने का पड़ता है। पालने का खर्चा इसका कुछ भी नहीं है, ये समझ लीजिए 2500 से 3000 रुपये मंथ पे ये गाय आपके घर में खड़ी है, मतलब एक आदमी के खर्चे से भी बहुत कम खर्चा है। ये भी बहुत प्रीमियम फूड जो खिला रहे हैं उनके लिए, कि जैसे 15 रुपए किलो से ऊपर चारा नहीं आता, ये मैक्सिमम रेट बता रहा हूं। चारा आपने यहाँ पर मिलता है वही 7-8 रुपए किलो चारा आता है, मैक्सिमम 15 रुपए किलो चारा आता है, उससे ऊपर चारा नहीं है, 2 किलो चारे की गाय है। और जो आप अच्छा वो प्रीमियम बांट बोलते अपने राजस्थानी भाषा में चोकर चापड़ जो भी बोलते हैं, वो भी 30 रुपए किलो 40 रुपए किलो आती है, तो 1 किलो 1 दिन की लगती है, इससे ऊपर नहीं लगती है। जैसे एक एक गाय की जैसे क्या कीमत होगी, अगर वैसे तो आप कह रहे हैं अनमोल है, लेकिन फिर भी एक जो भी कम से कम ये गाय आज की डेट में बाजार में उपलब्ध हो रही है वो 2 लाख रुपए से स्टार्ट हो रही है। जो इनमें हाइब्रिड्स भी है, जो मतलब उनका पालने का मतलब नहीं बनता है कि अपनी देसी नस्ल को ही बचाया जाए, लेकिन कम से कम 2 लाख से ये चालू हो रही हैं। ज़रूरत है कि हम पशुपालन में अवेयर हैं और बल्कि ऐसे पशुओं को हम पालें, और इसका मैं कह सकता हूँ कि शायद इस गाय का ये भी है कि नॉर्मली जिनके, क्योंकि आजकल पता है महंगाई का ज़माना है, घर छोटे होते हैं लोगों के, तो छोटी जगह में भी इस गाय को पाल, हाँ जिन लोगों के वो प्योर दूध पीना है कि दिन में 1-2 किलो की ज़रूरत है, 1-2 किलो में मतलब प्योर दूध पीना, खुद के बच्चों को पिलाना है, उनके लिए गाय रामबाण है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बहुत से लोग हैं सर ऐसा जो अब गाय अपने घर इसीलिए पालते हैं, ये गाय रखते हैं कि ताकि उनके बच्चे शुद्ध दूध पी सकें आज के समय में। हमारी कोशिश यही है कि पहले के ज़माने में अपने हिंदू परिवारों में हर घर में एक गाय होती थी, फिर जैसे जैसे समय बढ़ता गया, जगह के अभाव में या सोर्सेज के अभाव में गाय घरों से घर बाहर आके रोड पर आ गई, तो आधी गाय कटने में भी जा रही है, आप आए दिन देखते हैं, फिर बेचारी कचरा खा रही है, पॉलीथीन खा रही है। मैं तो ये मानता हूँ छोटी गाय ज़रूरी नहीं है, इतना पैसा लगाना ज़रूरी नहीं है, आपके पास जगह है तो आप बड़ी गाय पालिए, एक गाय की सेवा कीजिए, आप भूल जाएंगे वफादारी क्या होती है, इस जीव ये जीव उतना वफादार है आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल। और आप ये नंदी भी लेकर के आए हैं? ये बिल्कुल, ये नंदी हमारा टॉप मोस्ट नंदियों में से एक है। अच्छा। जो इस बार हमारे इसके बच्चे भी हैं, मैं आपको इनकी प्रोजेनी दिखाऊंगा। तो ये इनके कुछ खास नाम भी बना रखे, इसका नाम काजू है, इसका नाम धेनु है अभी। हाँ अच्छा, इस नाम से वैसे आप पुकारते हो तो ये समझ जाती है? ये समझ जाती है, लेकिन यहाँ पर इस बार ये थोड़ी सी तंग हो गई है मेले में इतने लोगों को देख के। ये देखिए बिल्कुल बच्चे के जैसी पली हुई है, आपसे खूब प्रेम करती है। इसकी इसका उद्भव जो है साउथ में एक जगह है पुंगनूर गांव, वहाँ से अच्छा, हुआ था, इसलिए इसका नाम है। इसका नाम इसलिए पुंगनूर रखा गया, बाद में फिर ये अब बिल्कुल विलुप्ति के कगार पे हो गई, तो अब मतलब कुछ गिने चुने किसानों के घरों में बंधी हुई है, क्योंकि वही वाली बात है, किसान को खर्चा नहीं निकलता तो किसान पालता नहीं था, तो इसलिए ये ख़त्म होने की कगार पे आ गई, लेकिन 2019 के बाद जो सरकारों ने इसके संवर्धन पे काम किया तो उसका रिजल्ट है। आइए खास इसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने छोटे छोटे और प्यारे बच्चे वो दिखाई देते हैं। और ये देखिए खूबसूरत इस पुगनूर नस्ल की गाय के छोटे छोटे बच्चिया बच्चे, और ये देखिए विदेशी मेहमान यहाँ पर पहुँचे हैं, इन खूबसूरत गायों को निहार रहे हैं। ये देखिए कितना एक अलग अनुभव यहाँ पर, ये देखिए खूबसूरत गाय के छोटे छोटे बछड़े। What your introduction? Where are you coming? I'm from Belgium. What your name? Eloise. What you say about this cow? Small height, very small height cow. It's cute. ये देखिए छोटे से गाय के छोटे छोटे बछड़े, उगनर गांव के छोटे छोटे ये देखिए बछड़े। अभिनव जी तिवाड़ी यहाँ पर ये देखिए लेकर के पहुँचे हैं, लोग इस खास नस्ल की गाय को देख रहे हैं और जानकारी इसके बारे में ज़्यादा जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही आकर्षण का केंद्र यहाँ पर इस मेले में दिखाई दे रहा है। गाय जो क्या पहली बार देख रहे हैं? ये क्या पहली बार देख रहे हैं? बहुत बहुत अच्छी लगी भाई साहब, ऐसे दिल गार्डन गार्डन हो गया, देखो बिल्कुल सीधी गाय है। प्यार करने आपको, प्यार करने लग गई आपको? हाँ बहुत 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 अच्छी लगी भाई साहब, बहुत बहुत। क्या नाम, कहाँ से आप? मैं तो पुष्कर से हूँ। अच्छा, यहीं रहता हूँ। इस तरह का ये फर्स्ट टाइम? पहली बार देखा मैंने, फर्स्ट बार देखा साहब, कहीं नहीं देखा ऐसा। इतने दिन वीडियो ही देख रहे थे और इच्छा भी थी खरीदने की, लेकिन ये भाई साहब अभी तो मना कर रहे थे, कितनी प्यारी गाय है भाई साहब। अच्छा अच्छा, ये देते हो तो आप ले लोगे भी? है मेरा पूरा विश्वास है, लेऊंगा साहब, मेरे पास जगह भी है, लेकिन ये देवे तो भाई साहब। और ये देखिए सरकार का ये हर घर गाय, जिसमें इसके बारे में जानकारी भी दी गई है, अपने छोटे आकार के कारण ये छोटी सी जगह में भी रह जाती है, और इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होने से ये जल्दी बीमार भी नहीं होती।